हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दही चूड़ा, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ दही चूड़ा स्पेशल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज है 15 जनवरी। वैसे बहुत सारे लोग 14 तारीख को ही मना लेते हैं। आप कब सेलिब्रेट किए, 14 को या 15 को दही चूड़ा का, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज 15 तारीख है एंड अभी सुबह का 7:30 हो रहा है। थोड़ा लेट हो गया उठने में, पूजा पाठ के लिए थोड़ा जल्दी उठने से अच्छा रहता है, सब कुछ जल्दी होता है। बट कोई ना, ठंड भी काफ़ी किया था, लेकिन अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होकर रेडी होने के लिए। जब तक मैं फ्रेश होकर रेडी होकर आती हूँ, तब तक आप ये देखिए, कल हम लोग ने बहुत तरह का लाई बनाया है, चूड़ा का, मूढ़ी का, और बहुत सारे लोग को आता है, बहुत सारे लोग को नहीं आता है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक आप ये इंजॉय कीजिए, मैं फ्रेश होकर रेडी होकर मिलती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए हम लोग काला तिल, जिसको एक दिन पहले ही धोकर सुखा लिए हैं, एकदम फ्रेश है। तो आप कोई भी चीज़ का लाई बनाते हो, चाहे तिल का, मूढ़ी, चूड़ा, कोई भी चीज़ का, तो उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ बीन भी ले, क्योंकि अक्सर ये सब में ना छोटा छोटा पत्थर होता है, जो कि अगर कमज़ोर दांत होगा तो तोड़ दे, टूट जाएगा आपका दांत, और अगर आपका नहीं तो आपका मतलब स्वाद एकदम बिगाड़ हो जाएगा। तो एकदम साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए बैठा दिए थे, जो कि कढ़ाई एकदम गर्म हो चुका है। अब माँ है, इसमें थोड़ा सा तिल डालेगी, एक बार में सारा तिल को नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा तिल लेकर कंटिन्यूस इसको चलाते रहना है, तभी जाकर तिल अच्छे से बुझाता है, माँ ऐसा बोलती हैं। एंड इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो इसको चलाते रहना, और आप पता कैसे चलेगा कि तिल भुजा गया है, तो लास्ट में आप इसको ऐसे स्मज करोगे ना, मिसोगे ना, तो आपका तिल एकदम अच्छे से मिसा जाएगा, तो पता चल जाता है कि ओ अच्छा, तिल अच्छे से भुजा गया। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह धीरे धीरे करके सारा तिल को भूजेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेकर। याद रहे, थोड़ा थोड़ा सा ही तिल लेकर भूजना है, तभी हमारा तिल अच्छे से भुजाएगा। तो देख सकते हैं सारा तिल भुजा गया है। एंड ये है वाइट तिल, जो पहले था वो काला था, ये उजला है, और देख सकते हैं ये कितना साफ है। इसको भी अच्छे से धोकर सुखा लिया गया है एंड इसको भी अब फ्राई करेंगे हम। तो सेम कढ़ाई को बैठाए हैं और इस पर तिल डाल दिए, अब इसको भूजेंगे। जो काला तिल को हम लोग जब भूज रहे थे, तो भूजने के बाद भी वो काला ही दिख रहा था, लेकिन वाइट तिल अगर आप फ्राई करेंगे तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन का लड्डू, तो चलिए इसका तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ पैकेट का बेसन है ये, लेकिन माँ इसको एक बार चाल रही हैं, क्योंकि बोल रही हैं पता नहीं कुछ होने से पता चल जाएगा। तो चाल कर हम लोग देख लेते हैं कि कहीं इसमें कुछ है तो नहीं, बट चालने के बाद पता चलता है इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश है। तो अब चालने का नीड नहीं है, तो इसी तरीके से हम लोग बेसन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है मेजरमेंट कप। वैसे माँ अंदाज से बनाती है, लेकिन मुझे आप लोग को बताना था तो हम मेज़र करके बना रहे हैं। तो ये एक कप है, जिससे 3 कप बेसन लेते हैं हम लोग। ये 1 कप 2 कप 3 कप बेसन लेंगे, सो कुछ इस तरीके से एकदम भर भर के बेसन लेना है 3 कप। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं घी है ये, तो ये गोवर्धन का घी है, जो कि एकदम घर के जैसा होता है। तो 1 कप हम लोग घी लेंगे, और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिए हैं, और इसमें अब हम घी डाल देंगे और घी को भी थोड़ा पिघलने देंगे। जब ये पूरा पिघल जाएगा तब इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो जो कप में घी लगा है उसको भी अच्छे से फिंगर के हेल्प से निकाल कर डाल दें। देन उसके बाद इसको एक बार चलाएंगे तो ये एकदम अच्छे से पिघल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। एंड उसके बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 3 कप बेसन, तो देख सकते हैं। और इस सबको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो आँच का फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, गैस का फ्लेम, और इसको अच्छे से भूजते रहेंगे, बहुत देर तक भुजाता है। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो जो बेसन का लड्डू है, इसमें पिसा हुआ चीनी पड़ता है, तो हमारे यहाँ पे पिसा हुआ चीनी नहीं है, अगर आपके वहाँ पर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीनी को पीसे हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो चीनी पीसने के बाद इससे हम लोग 1 कप चीनी डालेंगे, वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा पूरा सूख गया है, लेकिन इसको भी फ्राई करते रहना है, करते रहना, बहुत टाइम तक बेसन फ्राई होता है। और अब हम दूसरी तरफ एक छोटू सा कढ़ाई बैठाए हैं, जिसमें हम बादाम और काजू को फ्राई करेंगे। और जो ये बादाम है, ये आप रेड वाला भी बादाम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ वाइट बादाम था तो उसको हम लोग यूज़ किए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन भी थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है, और ये बादाम भी हमारा हो ही गया है। और बादाम जब आप भूजोगे ना, तो वो ना फटफट आवाज़ करता है, जिससे पता चलता है कि बादाम हमारा हो गया है। तो इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो छिलका लगा है ना, उसको हम लोग को हटाना है। तो इधर हम काजू भी फ्राई कर लिए, उसको भी निकाल लिए, और आप देख सकते हैं कि बेसन अभी तक फ्राई हो रहा है।
बेसन तब तक फ्राई करना है जब तक पूरा घर आपका बेसन से महक ना जाए, बहुत खुशबू आना चाहिए, अच्छा से पकना चाहिए, तभी आपको लड्डू खाकर मजा आएगा। तो यहाँ माँ बादाम का छिलका हटा रही है, तो हाथ से कुछ इस तरीके से क्रश करने से बादाम का छिलका हट जाता है। एंड बादाम और काजू को हम पीस लिए हैं और इसको एकदम महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। और इसमें छोटी इलायची का पाउडर पड़ता है, ये नहीं था तो मैं यहाँ पर एक पैकेट छोटी इलायची का पीस दी हूँ और इसको चाल लेंगे ताकि इसका छिलका अलग हो जाए। एंड इसका छिलका को फेंकना नहीं है, इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको चाय पीकर मज़ा आ जाएगा। तो इसके बाद इसको चाल लेंगे और इसको एक टाइट कंटेनर में रख देंगे तो ये बहुत टाइम तक चलता है। तो इससे हम लोग बेसन में ऐड करेंगे एक चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और हमारा जो बेसन है वो अच्छे से पक गया है, पूरा घर स्मेल कर गया है। तो अब इसको एक बर्तन में भी निकाल लिया और इसमें साथ ही में चीनी पाउडर और बादाम और काजू का जो हमने पीस के रखा था ये सब मिला देंगे। अब इसको हाथ से ही मिलाएंगे तभी ये अच्छे से मिलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि हमारा जो बेसन है वो एकदम गर्म है, लेकिन हाँ चीनी और ये डालने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और हाथ से बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिल जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू हमारा बंधा जा रहा है। माँ आपको एक दो बांध के दिखा रही हैं, साथ ही में अब हम भी फटाफट बांध देते हैं तो बांध कर मिलते हैं। तो देख सकते हैं इतना लड्डू बंधा गया है, तो मैं आपको सोची दिखा दूँ इसको कंप्लीट करके। तो ये है सिल्वर परत, जिसको मतलब चांदी का परत बोलते हैं ना, जो हर मिठाई में लगा रहता है, तो ये हम लोग भी रखे हैं। जब इस तरीके से कुछ बनता है तो हम लोग भी लगाते हैं, जो कि एकदम देखने के बाद लगेगा कि हम लोग मार्केट से मंगवाए हैं। तो यहाँ पर मैं एक हाथ से लगा रही हूँ तो अच्छे से नहीं लग पा रहा है, दूसरे हाथ में मेरा कैमरा है तो मैं पूरा लगा के दिखाती हूँ। सो टंटना, ये कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, सेम कढ़ाई को बैठाए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और पाक बनाने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाले हैं। हम लोग को वैसे बहुत सारा लाई बनाना है लेकिन पाक एक बार में नहीं बनता है, पाक थोड़ा थोड़ा ही बनाया जाता है क्योंकि लाई फटाफट बांधना भी होता है। तो माँ है ना, थोड़ा थोड़ा ही पाक बना बना के थोड़ा थोड़ा लाई बांधती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पाक बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये रहा अदरक, इसको भी पीसना है। तो अदरक को क्या करना है ना, पाक में एक चम्मच डालना है क्योंकि सबसे पहले हम बनाएंगे चूड़ा कलाई, तो इसीलिए। और इसको पाक में ही डालने से ये अच्छे से भुजा भी जाता है। और ये देख सकते हैं हमारा पाक बिल्कुल बन गया, एकदम गाढ़ा हो गया। तो ये है भुजा हुआ चूड़ा जो कि मार्केट से आया है, बट इसको भी फटक कर देख लिए कि इसमें कुछ है नहीं और इतना सारा चूड़ा का बनाना भी है। तो इसमें अब हम लोग डालेंगे तिल, जो काला तिल और उजला तिल भुज के रखे थे वो दोनों को मिक्स कर दिए क्योंकि इसका भी लास्ट में लड्डू बनेगा, वो आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पाक। अगर आप ये यहाँ पर ना, गुड़ का क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा गुड़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, कम पसंद है तो कम डाल सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। बट यहाँ पर हम लोग जो चूड़ा के अकॉर्डिंग डालते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एकदम प्रेस करके हल्के हाथों से बांधते हैं तो ये एकदम ऐसे करके गोल हो जाएगा, देख सकते हैं। तो फटाफट हम लोग मिलकर बांध लिए। तो जो पहला था इतना बनाया है, धीरे धीरे करके बहुत बंधाता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं फिर से पाक बन रहा है और हमारा चूड़ा कलाई है जो पूरा बनकर कंप्लीट है, पूरा देख सकते हैं। तो इसको एकदम अच्छे से पैक करके रखना भी होता है ताकि हवा ना लगे। अब इधर बन रहा है मुढ़ी कलाई और ये रहा मुढ़ी का भी लाई, सेम वैसे ही बनाना है, एकदम बनकर रेडी हो गया है और इसको टाइट कंटेनर में रखना होता है। सेम हमारा तिल भी हमने फर्स्ट में भूज कर रखा था, इसको भी वैसे ही गुड़ में डाल दिए और इसका भी लड्डू बन गया। कितना अच्छा लग रहा है ना ब्लैक एंड व्हाइट देखकर। तो अब चलते हैं एक नया डिश बनाने के लिए, बंगाली डिश है। तो यहाँ पर 2 कप दूध को जलाया जा रहा है एंड साथ में ये जो है चावल का आटा है, चावल का गूड़ा जिसको बोलते हैं, एंड ये एक कटोरी मैदा है। और यहाँ पे दूध अभी जल रहा है, कम आँच पर इसको बैठाया गया है, मतलब दूध को पूरा ही जला देना है। एंड साथ में थोड़ा सा गुड़ को भी पिघलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है चावल का आटा और मैदा को मिक्स कर दिया गया है, इसमें 1 कप मतलब दूध डाला गया है और साथ में इसमें पानी भी ऐड होता है। मतलब इसको घोल बनाना है, लाइक वो डोसा का जैसे बैटर बनता है ना, वैसा ही टाइप का घोल बनता है। और इसमें गुड़ का भी जो हमने गलाया था उसको भी डाल देना है। यहाँ पर भी मीठा अकॉर्डिंग आपके पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। तो उसके बाद इसमें भरने के लिए भी इसमें नारियल का भरा जाता है, तो यहाँ पर नारियल को ना क्रश करना होगा जैसे हम लोग नारियल को लड्डू बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से क्रश कर लिया जाएगा, पूरा एकदम देख सकते हैं। एंड इधर हमारा दूध जो है ऑलमोस्ट जल चुका है, एकदम थोड़ा सा हो गया है, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं।
तो अब चलते हैं इसको भरने वाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर नारियल, गुड़ और जो हमने दूध जलाया था वो तीनों को मिलाकर अच्छे से पका लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे डोसा के अंदर आलू भराता है वैसे इसके अंदर ये नारियल का भराता है। तो यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिए हैं जिसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे एंड इसमें छोटू सा 2 कलछुल हम डालेंगे। जिस तरीके से डोसा बनता है एकदम फैला दिया जाता है डालकर, वैसे ही इसको भी डालकर एकदम अच्छे से फैला दिया जाता है। एकदम पतला सा ये बनता है, इसका भी जो पापड़ी होता है ना एकदम पतला सा बनता है। एंड इसके ऊपर जिस तरीके से आलू रखा जाता है डोसा के ऊपर, उसी तरह से इस पर ये नारियल का रखा जाता है थोड़ा थोड़ा। खा कर मज़ा आ जाएगा, मैं फर्स्ट टाइम खाई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें इस तरीके से डाल दिया जाता है एंड एकदम डोसा के जैसा इसको थोड़ा थोड़ा पलट दिया जाता है और बाद में थोड़ा सा इसको पका दिया जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। एकदम लग रहा है ना छोटू सा डोसा, बट इसको बंगाली में पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर आप बंगाली हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपके यहाँ पे बना या नहीं बना ये भी ज़रूर बताना। तो ये पूरा अच्छे से पक गया है एंड इसी तरह कर करके बहुत सारा हम लोग बना लेते हैं। ये देखो यहाँ हो रहा है पूजा। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले नहा कर ये छुआ जाता है, आप देख सकते हैं आप लोग भी छूते ही होंगे। तो इस सब को छुआ जाता है नहाने के जस्ट बाद। हैप्पी डे जुरा। तो नहाने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हुई कि बहुत लेट हो रहा था तो मुझे पूजा करना, तो मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ। बस हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, फटाफट थोड़ा सा और पूजा कर लूँगी, उसके बाद हम लोग को जाना है मंदिर। पास में ही मंदिर है, वहाँ पर जाकर पूजा करना है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ एंड जल्दी जल्दी पूजा भी हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। यहीं पास में घर के पास एक मंदिर है तो फटाक से पूजा करने चलते हैं। जस्ट घर के थोड़ा पास में ये मंदिर है इसीलिए हम लोग पैदल ही चले जाते हैं और कहते हैं मकर संक्रांति के दिन शंकर भगवान जी का पूजा करना चाहिए। तो हम लोग भी चले आए हैं मंदिर। वैसे हम लोग का और भी कहीं का प्लान था बट वहाँ नहीं जाना हो पाया क्योंकि आज के दिन बहुत कुछ बांटना भी होता है ना बहुत लोग के वहाँ पर, इसीलिए। तो ये है मंदिर। तो यहाँ पर माँ कुआँ से जल ले रही हैं चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर कुआँ से ही जल लिया जाता है। तो अब चलते हैं फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो ये है शंकर भगवान जी, आपको भी कोई विश मांगना है तो आप मांग सकते हैं। तो यहाँ पर माँ पूजा करिए फिर मैं कर लूँगी फटाफट। सो हमारा पूजा भी हो गया और अब जो टाइम है वो 10:30 हो गया है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। मीठा खाला सब छुआ हो गया है, अभी जा रहे हैं हम लोग पीठा खाएंगे। पीठा खाने का इसको भी छुएंगे, मतलब इसको भी छू लेते हैं एक बार। एक पीठा छुआ गया, इसको भी खाएंगे। ये सब करने के बाद फिर ये चिकन भी छुएंगे, उसको भी खाएंगे। तब हम लोग का मकर संक्रांति ऐसा सब बनेगा। बाय द वे हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, अच्छे से लोहड़ी बिहू पोंगल जो भी है सबको मनाइए ना जी ना भैया। और खिचड़ी खाइए। हाँ और खिचड़ी है बिहारी में, बिहारी आदमी लोग का तो खिचड़ी है, तो खिचड़ी खाइए दाल वाला। बिहारी का बंगाली भी तो खिचड़ी खाता है। चिकन के साथ खाई वो खिचड़ी। पीछे में देखे घुमा रहा है यार। तो पूजा वूजा कर लेने के बाद सबसे पहले तो तिल खाते हैं जो भगवान जी को चढ़ाते हैं। बहुत मजा है। हैप्पी मकर संक्रांति तो बोलिए। हैप्पी खिचड़ी। खिचड़ी पसंद है? खिचड़ी क्या बनाए? रोटी सब्जी बनाइए। रोटी सब्जी। हैप्पी मकर संक्रांति। मकोड़ा संक्रांति। मकोड़ा संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन जो खाया जाता है वो ये है पूरा। मैं प्लेट में निकाल दी हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये सब लोग अभी खाएंगे, सब लोग मतलब कि इसमें थोड़ा ज़्यादा निकला है, एक ही जन का है बट थोड़ा ज़्यादा, इतना नहीं खाएंगे। तो मैं इसमें से लाई वगैरह खाऊंगी लेकिन पहले मैं चाय पीऊँगी देन उसके बाद।
तो सब लोग खा लिए हैं, मैं अभी नहीं खाई हूँ, मैं बस चाय बिस्किट वगैरह खाई हूँ क्योंकि सबसे पहले मुझे चाय चाहिए होता है, बाकी सब कुछ बाद में। तो अभी टाइम भी वैसे 11 से ज़्यादा हो गया, बट कोई ना, मैं थोड़ा देर बाद खा लूँगी। बाकी ओवरऑल सब लोग खा लिए हैं, और वैसे भी मैं दही नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं खाऊँगी चाय चूड़ा। सब लोग दही चूड़ा खा रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा अपना हेयर उसको सुखा लूँ क्योंकि आज सैटरडे है, शैम्पू नहीं की हूँ, बस सर पर से नहाई हूँ। तो पहले थोड़ा हेयर सूख जाए, उसके बाद फिर चलेंगे किचन में, लंच का प्रिपरेशन करेंगे। तो लंच में हमारे यहाँ बनेगा खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे भी है और आज के दिन बोलते हैं खिचड़ी भी खाया जाता है, पता नहीं, तो इसीलिए खिचड़ी बनेगा, तो बनाएंगे। तो अभी पहले थोड़ा सा हेयर को सुखा लेते हैं, देन उसके बाद फिर चलेंगे। क्या कर रहे हैं माँ? मकर संक्रांति का प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद? ओ, कितना सारा प्रसाद बना गया, दिखाइए। इसके अंदर है, स्पॉटले के अंदर है, पैक हो गया है सब। तो ये भी निकाला गया है, ये देने के लिए नीचे आसपास में दिया जाता है, तो सबको देने के लिए हम लोग निकाले हैं। सो हम जा रहे हैं छत पर, क्यों जा रहे हैं? पता? बताइए। टाइम पास करने। तो हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं रील्स बनाने, दो चार मिस्टर हैंडसम। ये छत पर आ गए हम लोग, आंख ही नहीं खुल रहा यहाँ तो। चलो चले। तो सब कुछ हो गया है, बाटा बाटी देना दुनी, अब बस थोड़ा रील्स बना लेते हैं क्योंकि अभी हम फ्री हैं। लंच भी बन गया, खिचड़ी मैं नहीं दिखाई क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग साथ शेयर कर चुकी हूँ छठ पूजा के ब्लॉग में, तो इसीलिए। तो फटाफट रील्स बना लेते हैं, देन उसके बाद फिर मिलते हैं। सो ये देखो, छत पर आए तो थोड़ा प्लांट्स दिखा देते हैं आपको। तो ये देखो कैप्सिकम, छोटू सा हुआ है अभी, एंड इधर देखो प्याज उगा भी था, इसका हम लोग सब्जी बना के खा लिए, फिर से उग गया है। धनिया पत्ता भी प्रोसेस में है। सो इधर भी पूरा प्याज कटा गया था, फिर से आ गया है। बाकी आप देख सकते हैं ऑन दी प्रोसेस चल रहा है। बहुत केयर करना पड़ता है, ठंडा का दिन है इसलिए, तब जाकर फल मिलता है। तो ये सब चल रहा है अपना ऑन दी प्रोसेस, हम लोग भी चलते हैं अपना काम करने, वीडियोस बनाने हैं ये। हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर मेंशन है, rajpriya29nov। तो अगर अब तक आप लोगों ने मुझे नहीं फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, तो फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, थैंक यू। तो मिलते हैं वीडियोस बना के, टाटा। देखो छत पे जा रहा है, उतर जा उतर जा, बाय बाय। लग रहा है कोई चिड़िया उड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी लेके चलो, बाय बाय। सो मुझे हुआ है आज एक पार्सल रिसीव, पार्सल फ्रॉम amazon.in, देख सकते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। इधर से देखो तो इसके अंदर है ड्रेसेस। तो मैं amazon से कुछ दिन पहले ऑर्डर की थी ड्रेसेस, मेकअप ड्रेसेस, देख सकते हैं, जिसमें मुझे सब फार दिए। वाह, तो ये है कुछ ब्रशेस जो मैं अमेज़न से परचेज की थी, देख सक, दिख रहा है? अच्छा, पास करके दिखाइए, देख सकते हैं। वैसे तो इसका ब्रश सॉफ्ट दिख रहा है, बट मैं इसको यूज करने के बाद बताऊंगी कि ये कैसा है। एंड इसके साथ आपको बहुत कुछ मिलता है, ये क्या है? साबुन, कुछ तो है ये, ये कुछ मिला है, पता नहीं ये क्या है, ये अच्छा है।
ये यूजफुल, इससे आप कंट्रोल भी कर सकते हो। एकदम पतलू सा है। मुंह में क्या लग गया? वो क्या लग गया? पर्पल पर्पल। सच्ची? हाँ। छूट गया ना? अभी भी है। तो ये था ब्रशेस। इसके साथ मुझे ब्रश को वॉश करने वाला भी मिला है, जिसके साथ मैं अच्छे से ब्रश को वॉश कर सकती हूँ। एंड साथ में इसके साथ मुझे एक ब्यूटी स्पंज भी मिला है। सो ये जो ब्रश है, इसका वैसे प्राइस है 999, बट ये डिस्काउंट में था तो मुझे ये मिला है 590 रुपीज में ऑनली। देख सकते हैं आप इसका बिल। तो ये आज आया तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप लोग ले सकते हो। बाकी कुछ दिन वेट कर लो, जब मैं इसको यूज कर लूंगी तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कैसा है, तो फिर मैं बता दूंगी। लेना? अच्छा ले। अभी मूरी खाया है, वो खाएगा। तो खरगोश के लिए मैं लाई थी 2 बिस्किट, बट वो नहीं खा रहा तो मैं ही खा लेती हूँ। सो शाम का हो गया है 4 और हम लोग खाना पीना आराम सब कुछ कर लिए। एंड मैं फिर से आ गई हूँ छत पर, धूप तापने, क्योंकि नीचे बहुत ठंड लग रहा है। स्वेटर पहनी हूँ बट फिर भी बहुत ठंड लग रहा है। अब जा रही हूँ, जैकेट पहनूंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप आप लोग को देखकर बहुत मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।